हेलो स्टूडेंट, मैथ्स के इस एपिसोड में हम लोग सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले एक सीरीज का कंसेप्ट वीडियो आया था जिसमें कि आपको समझाया गया था कि आप सीरीज के क्वेश्चन को डायरेक्ट सोचने से पहले आप उसके सीक्वेंस पैटर्न को पहचानें कि दिया गया क्वेश्चन एडिटिव नेचर का है, मल्टीप्लिकेटिव नेचर का है या एक्सपोनेंशियल नेचर का है। इस वीडियो में हम लोग पैटर्न को पहचानने के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप इन रूल्स को एग्जीक्यूट करने सीख पाए। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इसको देखने से ही लगता है कि ये सब जितने भी नंबर्स दिए गए हैं हर कोई दोगुना के आसपास है, एक कांस्टेंट चल रहा है। तो आप अगर इसको ट्राई करो, सब देखो, सब लग रहा है दिखने से ये 200 में, ये 400 में, ये 1650 से अधिक है तो ये 3300 में, दिखने से ही लग रहा है डबल के आसपास है। तो अगर कांस्टेंट 2222 चल रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो अगर हम इनटू 2 करेंगे तो 248 होगा, तो -20। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं, फिर सेम चीज, अगर हम इनटू 2 करेंगे तो 456 होगा यानी -20। तो अब दो जगह सेम चीज हो गया, यानी इसी पैटर्न को आप कंटिन्यू कर लो। अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आगे भी आप इसको चेक करते रहो, अगर दो जगह बिल्कुल सेम चीज रिपीट कर दिया मतलब एक कांस्टेंट पैटर्न चला जा रहा है। बहुत आपको डाउट होगा तो लास्ट में आप चेक कर लो, 1684 इंटू 2 करेंगे तो 3368 होगा, तो -20 तो यह भी सेटिस्फाई कर रहा है। तब आप क्या कर लो, 436 इंटू 2 तो 872 और -20 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 852। इट्स योर राइट आंसर। तो जैसे ही हमने देखा कि नहीं, सारा क्वेश्चन क्या है, हर अगला नंबर जो इसमें है वह पिछले से लगभग दुगुना के आसपास है, तो इसका मतलब एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 चल रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सारा नंबर एक दूसरे के नजदीक का है, या यूं कहें कि नेक्स्ट फर्स्ट के डबल से कम, डबल से कम लगातार है, बहुत ही क्लोज है, डबल से कम क्या बहुत ज्यादा नजदीक है, तो यह एडिटिव हुआ। तो एडिटिव का आप लोगों ने क्या सॉल्यूशन सीखा था कि अगर जैसे ही आप पहचानो कि दिया गया सीरीज एडिटिव पैटर्न का है, बिना सोचे समझे सबके हर दो कंजिक्यूटिव टर्म को आप क्या करो, आप डिफरेंस निकाल दो। तो जैसे यहां पर आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। फिर नेक्स्ट यहां पर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। फिर आप इसका डिफरेंस निकालिए तो क्या हो रहा है, 49 हो रहा है। तो आप एक सीक्वेंस को समझो, क्या है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो अब अगला आपके दिमाग में आता है कि यार 9 का स्क्वायर होना चाहिए और फिर नेक्स्ट 11 का होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट यहां पर अलर्ट होइएगा, जब कभी भी 3, 5, 7 रहे ना, तो यहां दो पॉसिबिलिटीज हो जाता है। कभी कभी ये ऑड नंबर होता है तो 7 के बाद नेक्स्ट 9 और उसका नेक्स्ट 11 होता है, और कभी कभी ये प्राइम नंबर होता है, तब क्या हो जाएगा, 7 के बाद सीधा 11 और 30। तो हम क्या करेंगे, एक को चेक करेंगे कि, लेकिन सिर्फ यहां नहीं, वह नेक्स्ट को भी सेटिस्फाई करे। तो अगर मान लो ऑड नंबर लेते हैं, तो ऑड नंबर लेते हैं तो नेक्स्ट 9 होगा, तो अगर 9 का स्क्वायर हम 81 में जोड़ दें, 1191 में अगर हम 81 को ऐड करें और फिर उसके बाद जो वैल्यू आता है उसमें 11 के स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, तो 1481 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम समझेंगे कि अच्छा, अगर ऐसा है 9 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अगला ऑप्शन हमारे पास 11 है, यानी हम यहां 11 का स्क्वायर 121 जोड़ें और तब यहां 13 का स्क्वायर 169 जोड़ें, तब क्या यह सेटिस्फाई करेगा। तो अब आप चेक करो कि 1191 में 121 आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, 112 92 11, और 11 1 12 प्लस 1 13, तो 1312 आंसर होगा। और सेटिस्फैक्शन के लिए अगर इसमें 169 जोड़ेंगे तो 1481 भी हो जाएगा, तो 1312 आंसर। तो ये दिमाग में रखिएगा, कभी भी 3, 5, 7 का सीरीज होता है तो ये दोनों पॉसिबिलिटी चलती है। अगर क्वेश्चन सेटर ऑड पैटर्न पर लेता तो हम यहां पर 81 और 121 लेते, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। लेकिन अगर प्राइम पैटर्न लिया, क्योंकि 3, 5, 7 प्राइम नंबर भी है, तो फिर 7 के बाद नेक्स्ट 11 और 13 आएगा, तो इसको चेक करें। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब देखो ये सारे नंबर्स, तो नंबर्स
पहचानते हैं कौन सा सीक्वेंस है, तो ये बढ़ रहा है, छोटा नंबर है, फिर धीरे धीरे नंबर बड़ा होने लगा तो मल्टीप्लिकेटिव भी होगा, एडिटिव में तो इतना ज्यादा बड़ा होता नहीं है। अब अगर हम यहां सोचे कितना गुना होगा इंटू वन या इंटू टू, तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, छोटे नंबर में हम कितना गुना करें ये सोचने में हमेशा दिक्कत होती है, या यहां भी आप गुना टू करेंगे कि गुना थ्री करेंगे आपको सोचने में दिक्कत होगी। तो आप बड़े नंबर में जाओ, देखो क्लियर पता चलेगा 260 इंटू 5 1300, अब इंटू 6 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो बहुत कम रहेगा। तो बड़े नंबर में कितना गुना है ये सोचना आसान होता है, तो जब मल्टीप्लिकेटिव होना तो कितना टाइम्स होगा, तो छोटे नंबर में स्टार्टिंग में दिमाग लगाने की जगह पर आप बड़े नंबर में जाके दिमाग लगाए, तो 260 इंटू 5 1300 हो गया, तो -20। अब ये 5 हुआ तो सेम यहां देखो एक घटो 74 द 280 -20, यानी समझ में आ गया यहां 33 द 90 -20 70 और 25 2 द 50 -20 30। तो हम क्या करेंगे यहां भी 1280 into 6 -20 कर दें, तो 1280 into 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7680 और -20 कर लेंगे तो 7660 इज योर राइट आंसर। तो बस पैटर्न को पकड़ना है स्टूडेंट, अगर एक बार आप पैटर्न को पकड़ने के लिए समझ जाते हो तो सीरीज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखो सब में लग रहा है हाफ हाफ का मामला, 84 का हाफ 42 का हाफ 21, तो हम चेक करते हैं अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो यह हो जाएगा 4242 यानी +6, एक एडजस्टमेंट भी हुआ है। फिर यहां पर अगर डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2124, तो ये -12 भी हुआ है। अब देखो यही सीक्वेंस चल रहा है, फिर यहां देखो डिवाइडेड बाय 2 +18 हो रहा है, यहां डिवाइडेड बाय 2 -24 हो रहा है, तो फाइनली यहां डिवाइडेड बाय 2 और +30 होगा। तो क्या करेंगे 513 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 256.5 और +30 है, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 286.5 इज योर राइट आंसर, इज योर फाइनल आंसर। तो बस पैटर्न को समझना, एक बार जैसे ही आप पैटर्न समझ जाएंगे चीजों को बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां भी डबल से कम फिर डबल से कम, तो आपको बताया गया है कि जब प्रायः कंजिक्यूटिव दो नंबर डबल से कम हो तो आप उसको एडिटिव पर लेकर बना सकते हैं, वह एडिटिव पैटर्न हो जाता है। तो आप इसका डिफरेंस निकाल के देखिए, जैसे ही समझे हम एडिटिव है तो बिना कुछ सोचे समझे हर दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया, फिर यहां पर चेक करेंगे तो 64 हो गया, अब ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम और ये 1000। स्टूडेंट आप गौर करोगे तो ये 1000 क्या है, ये 10 का क्यूब है और ये देखो 4 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो क्या ये सीक्वेंस चल रहा है 2 4, यहाँ 6 का क्यूब हो जाता, यहाँ 8 का क्यूब हो जाता, तो फिर 10 का क्यूब तो सीक्वेंस पूरा हो जाएगा, 216 हो जाएगा, यहाँ 512 हो जाएगा। तो हम आंसर निकालने के लिए क्या करें, तो 226 में 216 को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 442 इज योर राइट आंसर। तो बस पैटर्न को समझना है, अगर एक बार आप पैटर्न को समझेंगे तो आप फिर काफी बेटर कर सकते हैं। फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, अगले सेट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट, 5918। आप देखिए आगे चलकर यहां डबल से कम फिर डबल से कम फिर डबल से कम, तो जब कभी भी दो या दो से अधिक जगहों पर दो गुना से कम कम हो तो एडिटिव ही लेना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 4 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, फिर 16 का डिफरेंस है। अब इतना में आपको पता चल गया ये तो स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे आप 7 के स्क्वायर को आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो 95 में अगर आप 49 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है 1200 480 192 76.8 30.72 12.288। एक चीज आप स्टूडेंट दिमाग में रखिए, जब कभी भी इंटीजर्स 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 और एकाएक डेसिमल हो जाए तो इसका मतलब यह किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके बढ़ रहा है। मैक्सिमम केस में 90% केस में होगा, और ये ज्यादातर 0.4 0.6 कभी कभी 0.2 भी होता है। तो आप एक बार चेक करो सीधा टेबल पर के कि क्या हो रहा है। जैसे देखो 12 फॉर द 48 48 फॉर द 192 192 फॉर द 768 तो क्या हो रहा है इनटू 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 0.1 डेसिमल को कैंसिल कर दे रहा है हर बार। तो अब आप क्या करो, मतलब इनटू यहां 0.4 है, फिर यहां पर इनटू 0.4 है, हर जगह पर यही है, हर जगह पर यही है 0.4 से ये मल्टीप्लाई करता हुआ चला गया। तो आपको इस फॉर्मेलिटीज को लिखने की जरूरत नहीं है, बस शुरू का 2-3 चेक कर लिए और बिना सोचे समझे सीधा लास्ट में आओ और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। आप सीधा लास्ट में आइए और लास्ट में आकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12,288 इंटू 4 करिएगा तो 49,152 हो जाएगा। तो 49,152 होगा, यहाँ 3 प्लेस के बाद डेसिमल, यहाँ 1, तो 4 प्लेस के बाद डेसिमल दे दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.9152 इज द राइट आंसर। तो ये दिमाग में रखना है, अगर लगातार इंटीजर्स इंटीजर्स और खास करके शुरू में बड़ा बड़ा नंबर रहे और लास्ट में डेसिबल में जाकर के छोटे नंबर्स में कन्वर्ट हो तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ परसेंटेज में हो रहा है, 40% 60%, और इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 40% स्टैंड्स फॉर 0.4 या 0.60% स्टैंड्स फॉर 0.6। आप एक कॉन्स्टेंट टर्म से लगातार मल्टीप्लाई करके बढ़ रहे हो। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अब फिर सारे नंबर्स एक दूसरे से नजदीक हैं, तो एक दूसरे से नजदीक हैं और डबल की तो बात ही नहीं, बहुत नजदीक हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसका डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस क्या हो रहा है यहां 36 डिफरेंस है, फिर डिफरेंस क्या है तो फिर डिफरेंस 72 है, फिर 108 का डिफरेंस है, फिर डिफरेंस निकालो तो 144 का डिफरेंस है, फिर 180 का डिफरेंस है। तो ये तो 36 का टेबल चल रहा है, 36 वन द 36, 36 टू द 72, 36 थ्री द 108, 36 फोर द 144, 36 फाइव द 180, तो 36 सिक्स तक, या आप 180 में 36 जोड़ लो तो क्या हो जाएगा 216। तो आप क्या कीजिए, इसमें 216 को आप सब हर बार कम होता जा रहा है तो 423 में आप 216 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 207 इज योर राइट आंसर। बस ये कम होता जा रहा है, 36 का टेबल, पहले में 36 घटा, अगले में 72 घटा, तो एडिटिव है, तो जैसे ही आप डिफरेंस करेंगे पता चलेगा। और कभी अगर सेकेंड स्टेप में पता नहीं चले तो फिर एक बार डिफरेंस कर लीजिए, ये नेचर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये एक्सपोनेंशियल नेचर है, एक्सपोनेंशियल का खूबी है कि वो डायरेक्ट पता चल जाता है, जब लगातार परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट क्यूब हो, या कोई भी एक्सपोनेंट का एग्जैक्ट वैल्यू हो। जैसे क्या हो रहा है, 29 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1681 इस तरह राइट आंसर। स्क्वायरिंग निकालने आपने सीखा होगा, 50 से लेस करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्क्वायरिंग में दिक्कत है तो आप चैनल के स्क्वायरिंग से रिलेटेड वीडियो को निकाल कर देखिए, वहां आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब 18, 20, 44, अब देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये बिल्कुल नजदीक है, ये डबल हो गया, फिर ये ट्रिपल के आसपास हो गया, तो ये समझ में भी आ गया कि अच्छा ये गुना इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 44 3 द 132, तो प्लस 6, तो ये आप समझ गए कि इसी सीक्वेंस को आप आगे बढ़ा दो, इंटू 4 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 10, तो लास्ट में क्या हो जाएगा इंटू 6 प्लस 12। तो अब आप क्या करेंगे कि 2810 इंटू 6 करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 16,860। तो 16,860 में आप 12 को ऐड कर दीजिए,
तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 16872 इज योर राइट आंसर। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो उसके साथ बस उसके एडजस्टिंग फैक्टर को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, जैसे स्टूडेंट अगले प्रश्न में देखेंगे तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 फिर क्वेश्चन मार्क 16.5 35 और 90। जब कभी भी स्टूडेंट ऐसा होना कि वंस डिक्रीज एंड देन ऑलवेज इंक्रीज, एक बार घटे सीक्वेंस और फिर हमेशा बढ़ते रह जाए, तो मैक्सिमम केस में 80% केस में क्या होगा, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई होता है, हाफ से मल्टीप्लाई होता है, कुछ केस में 0.75 यानी 3/4 होता है। यानी ये क्या हो रहा है कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा है। बिल्कुल आप इसको पहले ट्राई करना, जैसे ही देखो कि एक बार घटा और फिर हमेशा बढ़ते रह गया, तो आप पहली बार इंटू हाफ करके देखो, तो 17 इंटू हाफ तो 8.5 प्लस 0.5 तो 9। फिर आगे देखो क्या है, तो यहां पर हम देखेंगे तो 16.5 इंटू 2 33 प्लस 2, और फिर यहां देखते हैं तो दोनों में क्या रिलेशन है, 35 इंटू अगर हम 2.5 कर दें तो 87.5 और प्लस 2.5 तो 90। तो क्यों ना इसी सीक्वेंस को बढ़ा दें, यानी हाफ हाफ का अंतर है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5, आप चेक कर लो 9 इंटू 1 1 9 प्लस 1 10, तो फिर 10 इंटू 1.5 करेंगे तो 15 प्लस 1.5 16.5 सेटिस्फाई भी कर दे, तो 10 इज योर राइट आंसर। ऐसे ये हमेशा आप दिमाग में रखना, व्हेन वंस डिक्रीज एंड देन ऑलवेज इंक्रीज, अगर कोई सीक्वेंस आपको ऐसा मिले जो एक बार घटे और फिर हमेशा बढ़ जाए, मैक्सिमम केस में आप पहले सबसे पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करो, कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करो तो आपका मामला क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव दिखने से लग रहा है, कितना गुना होगा तो शुरू में थोड़ा सोचने में दिक्कत होता है, गुना एक करें दो करें तीन करें, बड़ा नंबर में सोचो तो बहुत क्लियर है क्या हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 5 तो इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अगर 6 इंटू 1 करेंगे तो प्लस 7 होगा 13, फिर 13 टू द 26 प्लस 12 हो जाएगा, तो प्लस 7 प्लस 12, और यहां देखो 20 ये हो जाएगा 2660 तो प्लस 15, तो ये समझ में नहीं आ रहा, यहां प्लस 7 यहां 12 फिर इतना दूर जाकर 15 ही होगा जबकि 5 का गैप यही है। तो स्टूडेंट दो चीज होता है कि मल्टीप्लीकेटिव विथ एडजस्टमेंट में कभी कभी या तो गुना करके जोड़ते घटाते हैं, लेकिन यहां करके जोड़ने में देखो यहां गुना 1 जोर 7 आ रहा है, यहां गुना 2 जोर 12 आ रहा है, ये दोनों पता नहीं है, और यहां गुना 5 जोर 15 आ रहा है, तो 7 12 फिर 2 गैप फिर 15, ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं लगता। तब आप उल्टा काम करो कि पहले एडजस्ट करो, पहले एड या सबट्रैक्ट करो और फिर गुना करो, यानी 6 प्लस 7 13 इंटू 1 13, फिर 13 प्लस 6 19 इंटू 2 38, तो इस हिसाब से यहाँ प्लस 5 होना चाहिए, यहाँ प्लस 4 होना चाहिए और यहाँ प्लस 3 होना चाहिए, तो देखो यहाँ 532 प्लस 3 535 और 535 इंटू 5 2675 सेटिस्फाई भी कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये काम करेगा ये कंसेप्ट। तो हम क्या करेंगे, 38 प्लस 5 43 और 43 इंटू 3 129, तो 129 इज योर राइट आंसर। तो ये दिमाग में रखना है कि जरूरी नहीं कि हमेशा मल्टीप्लिकेटिव विथ एडजस्टमेंट में पहले गुना भाग हो जाए उसके बाद ही प्लस माइनस होगा, ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्लस माइनस हो जाए और फिर गुना भाग हो। अगला क्वेश्चन तो दिखने में ही फिर सब एक दूसरे के डबल के आसपास लगता है, उल्टा सोचो तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, 7 टू द 14 प्लस 2 16 16 टू द 32 प्लस 2 34 तो 34 टू द 68 प्लस 2 70 कर दो, फिर 70 टू द 140 प्लस 2 142 और 142 टू द 284 प्लस 2 286, तो दिखने से ही पता चल रहा है मल्टीप्लिकेटिव है, इधर से करते तो डिवाइड करना पड़ता, उधर से थोड़ा डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट पड़ता है, तो राइट से ही इसको ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, ये भी एक कांस्टेंट बढ़ रहा है, 17 51 50 150 45 हर जगह लग रहा है, गुना 3 गुना 3 करके क्या है, इंटू 3 प्लस 1 फिर से देखते हैं, इंटू 3 तो 52 3 द क्या हो जाएगा 156 प्लस 2 फिर इंटू 3 तो प्लस क्या हो रहा है इसमें 383 द 24 प्लस 3 हो रहा है, क्या करेंगे इंटू 3 प्लस 4
इंटू थ्री प्लस फाइव, तो क्या हो जाएगा 477 इंटू थ्री करेंगे तो 1431, और 1431 हो जाएगा तो 1431 में फिर आप 4 ऐड कर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1435 इज योर राइट आंसर, 1435 इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यह भी छोटा नंबर से धीरे धीरे बड़ा नंबर हो गया तो पक्का मल्टीप्लिकेटिव है। शुरू में कितना बार लें, इंटू सेवन करके कुछ प्लस करें, इंटू एट करके कुछ माइनस करें, नहीं पता चल रहा है। तो आपको हमने कहा है कि जब ये सोचना है ना कितना गुना है तो बड़े वाले नंबर में जाके सोचो। देखो क्लियर है 26 3 द 78, 4 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, ये तो पक्का पता हो गया गुना 3। अब ये घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, 6 4 द 24 गुना 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो अब मल्टीप्लीकेशन तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप एडजस्टमेंट को सोच करके चलो तो क्या हो जाएगा प्लस 1, यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप चेक करो 4 3 12 तो प्लस 4, इस हिसाब से देखो तो प्लस 2 प्लस 3, यहाँ चेक करके देखो प्लस 5 हो रहा है क्या, तो 6 3 18 प्लस 5 23, यस यूनिट डिजिट से मैच कर रहा है, तब फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है तो हमारा 22 इंटू 6 तो 132, 22 इंटू 6 132 और प्लस 2 तो 134 इज योर राइट आंसर। फिर से कुछ प्रश्न को लेते हैं, जैसे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो 962, यह भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो हम क्या करें, तो फिर उसी तरह सोचेंगे। तो हमने आपको कहा छोटे वाले नंबर में मत गुना के चक्कर में पढ़ो कितना गुना हो रहा है, बड़े वाले नंबर में देखो इंटू थ्री के आसपास हो रहा है ना, 7 3 21 फिर 18 4 72 इंटू 4 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, बस इस बार माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर तो माइनस 1 हुआ, ये दोनों में नहीं पता है, यहाँ पर भी देखो माइनस 1 ही हो रहा है, 4 4 16 में 1 1 15 और यहाँ भी 5 3 15 5 में 1 1 4 माइनस 1 ही हो रहा, तो इस दो जगह भी हम लोग क्या करेंगे माइनस 1 डाल देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 62 इंटू 6, तो 62 इंटू 6 क्या होगा 372 और माइनस 1 तो 371 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है 482460। अब देखो दिखने में ये लग रहा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव है, लेकिन अब देखो गुना 2 गुना 3 और फिर गुना 3 से घट गया तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और बहुत बड़ा नंबर भी नहीं हो रहा है कि आगे सीक्वेंस हो रहा है, तो ऐसे में आप जैसे ही आपको मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रैक्ट करे ना, कंफ्यूज हो, तो तुरंत उसको एडिटिव के सेंस में ले लो, एक स्टेप नीचे जाओ, जो लॉजिक लगाना होगा वहां लगाएंगे, तो डिफरेंस 4 फिर डिफरेंस 16 फिर डिफरेंस 36 और इसके बाद नहीं पता, तो देखो क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, तो या तो हम इसमें जोड़ देंगे 64 या इसमें 100 माइनस कर देंगे, तो 124 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन में क्या है 8000 1632, देखो फिर वही बात, लगातार इंटीजर्स इंटीजर्स बड़ा नंबर से छोटा नंबर होते जा रहा है, लास्ट में सीधा डेसिमल आया और छोटा नंबर था, हमने आपको क्या है जरूर किसी कांस्टेंट टर्म से गुना कर रहा होगा, आप चेक करो तो 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, एक एक जीरो या एक एक डिजिट घट रहा है, चूंकि 0.2 है तो 1.1 प्लेस को मारता चला जा रहा है 64, तो आप भी हर जगह क्या किया 0.2 से मल्टीप्लाई किया, आप ये सब लिखने के फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़िएगा, हम बस आपको समझा दे रहे हैं, आप बिना सोचे समझे यहाँ आकर के 0.2 से गुना करो, तो 128 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 256 और यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो क्या हो जाएगा 2.56 इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है नजदीक नजदीक का डिफरेंस निकालते हैं 3 6 12, एडिटिव है तो बस तुरंत डिफरेंस निकाल दो 24,
तो क्या हो रहा है, डबल होते जा रहे हैं डिफरेंस, 3, 6, 12, 24, तो अगला 48 हो जाए, तो 51 में 48 ऐड करेंगे तो 99 इज योर राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7, 8, 18, तो क्या हो रहा है, ये तो बहुत आसान है, दिखते ही पता चल रहा है, इंटू 1+1 इंटू 2+2, तो इसी को आगे बढ़ा के देखो, इंटू 3+3 इंटू 4+4, और यहाँ क्रॉस चेक कर लो कि सही तो कर रहे हैं, तो 232 तो कर लेंगे, तो 1160+5 1165 सही कर रहे हैं, तो 18 3 54+3 57 इज योर राइट आंसर। तो स्टूडेंट जब कभी भी सीरीज का क्वेश्चन बनाएंगे तो आप दिमाग में एक चीज को रखिए कि हमको पहले पैटर्न समझनी है, बार बार हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं पैटर्न क्या है, तो इससे पहले इसका एक पार्ट वन कंसेप्ट वीडियो आया है, आप उसको देखिए, उसमें विस्तार से हमने समझाया है कि क्या सीरीज के पैटर्न सिक्वेंस को हम लोग कैसे तीन प्रकार में बांटते हैं, एक्सपोनेंशियल, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, और फिर उसके बेसिस पर सीरीज को सॉल्व करते हैं, उसके अपने सिम्टम्स होते हैं, उसके सिम्टम्स पे सॉल्व करते हैं। सीरीज ना बने ये पॉसिबल नहीं, सीरीज हर किसी से बनता है, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लगातार क्वेश्चन इससे होते हैं और संख्या में क्वेश्चन होते हैं, और एवरेज सीरीज में कहा जाता है कि आपको एक सीरीज को बनाने में 20 सेकंड के आसपास लगता है अगर आप एक्सपर्ट हैं तो, अगर 5 क्वेश्चन यहां से है तो अगर आप मान लो कि 2 मिनट भी आप लगा देते हो, 24 सेकंड भी एवरेज लेते हो, तो फिर भी यह आपके स्पीड को भी मेंटेन कराता है और बल्क का 5 मार्क्स भी देता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप सीरीज को उसके सीक्वेंस पैटर्न को समझ करके बनाएंगे और अपनी स्पीड को यहां पर मेंटेन करेंगे। थैंक यू।